हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नॉवल नेचर का एक स्टेंजा डिस्कस किया था। तो पहले स्टेंजा में हमने ये जाना कि कवि बेन जॉनसन ये कहता है कि पेड़ की तरह आकार में बढ़ना आदमी को बेहतर नहीं बनाता, महान नहीं बनाता। जैसे एक ओक का पेड़ 300 वर्षों तक जीवित रहता है और अंत में सूखकर पत्तियों रहित होकर एक लट्ठे के रूप में काम में आता है, उसी तरह से लंबा जीवन आदमी को कभी भी बेहतर या महान नहीं बनाता है। ये हमने पहले स्टेंजा में जाना था। दूसरा स्टेंजा, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर दो नेचर सिंबल लिए हैं पोएट ने। एक लिया ओक ट्री, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बलूत का पेड़, और एक लिया उसने लिली फ्लावर, कुमोदिनी का फूल। तो यहाँ ओक ट्री किसका सिंबल है? लॉन्ग लाइफ स्पेन। और लिली फ्लावर किसका है? शॉर्ट लाइफ का। तो पहले स्टेंजा में हमें पता लगा कि ओक का पेड़ कितने समय तक जीवित रहता है, 300 वर्षों तक लॉन्ग लाइफ है इसकी। दूसरे स्टेंजा में हम जानेंगे लिली फ्लावर के बारे में। पहली लाइन देखो, लिली अ डे, एक दिन का लिली, कुमोदिनी का फूल कितना है? एक दिन जीवित रहने वाला। इस फेरर फारन में, मई के महीने में एक दिन जीवित रहता है, अर्थात सुबह ये जन्म लेगा, सुबह उगेगा यानी कि निकलेगा और शाम को ये नष्ट हो जाएगा। एक दिन जीवित रहने वाला लिली का फूल, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि उसी रात गिर जाता है और अपने अंत को प्राप्त कर लेता है, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट गेट टू सी, फिर भी हम छोटे अनुपात में वास्तविक सुंदरता को देखते हैं। क्या कह रहे हैं कवि कि लिली का फूल मई के महीने में एक दिन ही जीवित रहता है, उसे पता है कि वो शाम को नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो छोटे से अनुपात में हमें वास्तविक सुंदरता दिखाता है। एंड इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और इसी तरह से इन छोटे छोटे जीवन काल में, मीजर्स का मतलब होता है जीवन अवधि, काल अवधि, मीजर्स ठीक है, शॉर्ट का मतलब छोटा, ब्यूटीज सुंदरता, लवलीनेस कहेंगे इसको, और लाइफ का जीवन परफेक्ट करते हैं पूर्ण। छोटे छोटे अनुपातों में, छोटे छोटे रूप में, जिस तरह से लिली के फूल ने हमें प्रसन्नता दी, खुशी दी, उसी तरह से जो कम अवधि का जीवन है, यदि वो हमें इसी तरह से प्रसन्नता दे, खुशी दे, अर्थात अच्छे कार्य करे, अर्थात उसके कार्यों से दूसरों को खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, तो वो जीवन पूर्ण जीवन कहलाता है, वो जीवन परफेक्ट लाइफ कहलाता है। क्या कहा कवि ने? कवि ये कह रहा है कि पेड़ की तरह आकार में बड़ा होने से आदमी बेहतर नहीं बनता, महान नहीं बनता। जैसे एक ओक का पेड़ 300 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन लास्ट में, अंत में वो गिर जाता है, सूखकर पत्तियों रहित होकर, मुरझाकर, और एक लट्ठे के रूप में काम में आता है। जबकि एक लिली का फूल एक दिन जीवित रहता है, सुबह उसका उदय हुआ, शाम को उसका अंत निश्चित है, फिर भी वो छोटे से उस अनुपात में, यानी छोटे से उस अपने जीवन काल में, एक दिन के छोटे से जीवन काल में वास्तविक सुंदरता हम उसके अंदर देखते हैं। इसी तरह से एक कम अवधि का जीवन यदि अच्छे कार्यों से, श्रेष्ठ कार्यों से भरा हुआ है, तो वो जीवन परफेक्ट जीवन है, उस जीवन को पूर्ण जीवन कहेंगे। ये कवि इन अपने दोनों स्टेंजा में व्यक्त कर रहा है। अब याद रखो, ना तो हमें इसको एक्सप्लेन करना आएगा, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आती तो हमें प्रत्येक शब्द का एक एक गूढ़ अर्थ समझना होता, वो लिटरेचर में आता है। हमें तो केवल जो डिफिकल्ट वर्ड मैंने पहले स्टेंजा में भी लिखाए थे, यहाँ भी लिखे हैं,
पहले बोर्ड का प्रोसेस ये था कि एक एक नंबर के चार प्रश्न आते थे, तो चार प्रश्नों में तो एक इन शब्दार्थों पर आधारित प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन अब बोर्ड का प्रश्न का ये पैटर्न नहीं है, अब आपको केवल दो प्रश्न मिलेंगे इस स्टेंजा में से, इस तरह के स्टेंजा में से जो दो दो नंबर के आएंगे। अब उसमें वो दो छोटे छोटे प्रश्न जोड़ के आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ हमें यह समझना है कि इन लाइनों में से प्रश्नों के उत्तर किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ देखो शॉर्ट प्रश्न कुछ लिखे हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाट डज एन ओक सिंबलाइज, जो ओक है वो किसका प्रतीक है। तो इन प्रश्नों का आंसर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है वो आना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आंसर का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये दोनों बातें यदि हमें आती हैं तो इसको आसानी से कर पाएंगे। वैसे इसकी तरह इसमें आंसर आपको लाइन में नहीं मिलेंगे, आपको उसके अर्थ को समझना पड़ेगा। अर्थ को समझने के बाद प्रश्न जो कह रहा है उसके आधार पर हम उस आंसर को निकालेंगे। जैसे पहला प्रश्न हमने देखा कि यहाँ किसका सिंबल पूछा है, ओक ट्री किसका सिंबल है ये पूछा है। तो ये पहले बताया हमने कि ओक ट्री किसका सिंबल है, लॉन्ग लाइफ का सिंबल है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखो कोई भी आंसर आप बनाएंगे तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड, ये प्रश्न की क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट, और ये होगी मेन वर्ब। तो प्रश्न में से क्या ले लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या ले लिया है, ओक ट्री। अब यहाँ देखो नियम पैसेज जिन बच्चों ने पढ़े हैं उनको मैं लिखा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़े उनको आगे और वीडियो आएंगे उसमें आप जानेंगे कि जब प्रश्न में डज हेल्पिंग वर्ब होती है या डो होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसका आंसर आप बनाओगे तो उसी टेंस में आपको यूज करना है। अब यहाँ देखो जब डज आएगी तो निश्चित है सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। इसलिए क्या लगा देंगे हम सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए, सिंबलाइज में क्या लगा देंगे, सिंबलाइज में एस लगा देंगे। एक्चुअली सिंबलाइजर्स किसका सिंबल है, वो लॉन्ग लाइफ का, ठीक है, लॉन्ग लाइफ, ठीक है। अब इसमें यदि हम चाहे लॉन्ग लाइफ का तो सिंबल है, लेकिन वो लाइफ कैसी है उसकी, यूजलेस है, इसलिए हम इसमें एक शब्द ये भी जोड़ सकते हैं कि यूजलेस लॉन्ग लाइफ, ओक ट्री सिंबलाइजेस यूजलेस लॉन्ग लाइफ। तो यूजलेस लॉन्ग लाइफ को ये यहाँ प्रकट कर रहा है इस तरह से। ये हमने कहाँ से समझा, इसके अर्थ से निकाला, इसके भावार्थ से निकाला। दूसरा प्रश्न, लिली किसका सिंबल है, इसी तरह से इसमें सब्जेक्ट आ गया लिली, दूसरे में क्या लिख देंगे, लिली, मेन वर्ब ही ले लेंगे सिंबलाइजेस, किसका सिंबल है ये जो लिली है ये यूजफुल शॉर्ट लाइफ का सिंबल है, आप लिख देंगे इसमें यूजफुल शॉर्ट लाइफ। इसमें चाहे तो हम स्पेन भी लगा सकते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पेन जीवन काल, और यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रश्न इस तरह से है। तीसरे में क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग, कितनी अवधि इस द लाइफ का जीवन है, किसका, ओक ट्री का, कितनी अवधि का जीवन है बताओ ओक ट्री का, स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 इयर्स। जिनको नहीं पता वो पूरी लाइन लिखेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे तो ये गलत है, क्या लिखना है केवल प्रश्न में से लें सब्जेक्ट को, ने देखो हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड हो गया, इज क्या हेल्पिंग वर्ब, द लाइफ ऑफ एन ओक ट्री, सब्जेक्ट कौन बनेगा, द लाइफ अकेली बनेगी, नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ ऑफ से जुड़ रहा है, ठीक है, इन दोनों का आपस में संबंध है, ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा, तो लिख देंगे द लाइफ ऑफ एन ओक ट्री
अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज। अब इसके साथ सीधा हम जोड़ेंगे क्या, समय तो गलत होगा क्योंकि समय से पहले क्या लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम से पहले फोर, क्या जोड़ देंगे 300 ईयर। तीन सौ वर्षों का जीवन है। और अगले में क्या पूछा, हाउ लॉन्ग इज द लाइफ ऑफ लिली, इसमें तो पूछा ओक का और इसमें पूछा लिली का, तो सेम सेंटेंस बनेगा। और यहाँ फोर के बाद कितना लिख देंगे, अरे एक दिन लिख देंगे। चौथे प्रश्न में द लाइफ ऑफ एन ओक लिली इज फॉर अ डे, ठीक है। पांचवा जो प्रश्न है, जब स्टेंजा हमने ये शुरू किया था तो यहाँ नीचे मैंने मैसेज लिखाया था इस पोइम का, तो वो आपको मैसेज यहाँ लिखना है। अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये भी। और एक इस स्टेंजा का, अगर पूरी पोइम का मैसेज आपसे पूछा जाए तो वो लिखना है। सेंटेंस यहाँ से बनाना है, द पोइट कन्वेज द मैसेज नोबल नेचर इज दैट, जोड़ करके फिर वो लाइन लिख देंगे, ठीक है। लिखना नहीं आया तो मैं दोबारा लिखा दूंगा। छठवें में क्या पूछा है कि व्हाट डज द पोएट कन्वे इन दिस फर्स्ट स्टेंजा, पहले में क्या मैसेज है। पहले में अगर ये पूछा जाए तो केवल इतना लिखना है, द पोएट कन्वेज द मैसेज इज दैट लॉन्ग लाइफ लाइक एन ओक ट्री इज यूजलेस, ओक के पेड़ की तरह लंबा जीवन क्या है, बिना किसी उपयोग के बेकार है, अनुपयोगी है, विदाउट नोबल नेचर, बिना किसी अच्छे स्वभाव के और बिना गुणों के। अगर हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, हमारे गुण हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा ओक की तरह 300 वर्षों तक जीवित रहना बेकार है। तो अगर इसको इसका स्टेंजा का मैसेज पूछे तो ये लिखना है, और पूरी पोइम का मैसेज पूछा जाए तो इससे पहले जो लिखा था वो लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रश्नों को जोड़कर सीखना है, तो ये आप लिखें। और इसके बारे में इसके जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सभी नोट कर लें। अगर प्रॉब्लम है तो मैसेज बॉक्स में जाके आप मैसेज टाइप करें और उसका अगले वीडियो में आंसर बताऊंगा, ठीक है। ओके।